सॉरी सर, 10 मिनट लेट हो गया। अरे 15 मिनट लेट आए हो तुम, तुम्हारा ऑर्डर भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, जाओ। सर आप भी जानते हो इस समय कितना ट्रैफिक रहता है सर, इसलिए लेट हो गया। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना वाना, जाओ यहाँ से, जाओ। सर सर प्लीज सर, टाइम की वैल्यू नहीं है तुमको क्या? सर नहीं चाहिए पार्सल तुम्हारा, जाओ। सर एक बार समझाया, समझ में नहीं आता है क्या? चल जाए इधर से। अरे अपनी भूख मिटा करके आपकी भूख के बारे में सोचता रहा। कस्टमर सोचा भगवान होता है। धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, ट्रैफिक हो, कोरोना में लॉकडाउन में भी काम किया। इस सबको दिल में रखे बगैर अपनी बहन, अपनी माँ, इन सबका फैमिली का ध्यान रखते हुए ये सब काम करता रहा। हम डिलीवरी बॉयज के साथ आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। ए, क्या रे? साधु संत के जैसा मेरे को ज्ञान दे रहा है? इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी डिलीवरी बॉय तो बनते हो तुम लोग, भाषण तो ऐसे दे रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी हो तू। कितना पढ़ाई किया है, कितना पढ़ाई किया रे तू? इंजीनियरिंग की है सर। क्या हो गया वहाँ? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? खाने को इस तरह गिरा कर उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, समझे तुम लोग? 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया? अच्छा मैंने तुम्हें बोला कि हाथ उठाने को, फिर क्यों हाथ उठा रहे हो उस पर? वो भी तो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। आओ तुम इधर बैठो। बैठो एक बात बताओ, इंजीनियरिंग किए हो तुम, फिर ये काम क्यों कर रहे हो? सर इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा छोड़ो ये सब, ऑर्डर लाने में इतनी देर क्यों करती? वो क्या है ना सर, बहुत चोट आई क्या? हाँ सर, इसलिए लेट हो गए सर। कोई बात नहीं। ओके सर, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ सर। ठीक है ठीक है। ओए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो और साथ में डिलीवरी बॉय का भी काम कर रहे हो? सर जैसा कि आप देख रहे हो, सुबह 9 से 6 तक ये काम करता हूँ और उसके बाद 3 के बाद छुट्टी लेने के लिए भी पहले से ही परमिशन ले लेता हूँ। 20,000 की नौकरी करता हूँ लेकिन आज तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला है। लेकिन फिर भी सर मैं अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ। इंग्लिश बोलने का शौक नहीं अपन को, ये वीकेंड का पार्टी वार्टी करने का शौक नहीं अपने को। सर इंजीनियरिंग मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए किया है, चाहे मैं कुछ भी काम करूँ मेरे आत्मसम्मान के लिए काफी है। चलता हूँ सर। अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रहा है। सुनो तुम इधर आओ, इधर बैठो। कोई बात नहीं सर, मैं लेट हो रहा हूँ। बैठ जाओ। तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आखिर तुम्हारी जिंदगी में हुआ क्या है ऐसा? आप ये सब क्यों सुनना चाहते हो सर? अरे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। सर मेरा गांव सुम मोगरी के करीब भद्रवती है सर, वहीं से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। नाच गाना मौज मस्ती करने वाला, धूम मचाने वाला था हमारा कॉलेज। हेलो भाई, कल पबजी टूर्नामेंट का फाइनल है, सब लोग जल्दी आ जाओ यार। एग्जाम की कोई चिंता नहीं है तुम लोगों को, हमारे जमाने में मैदान में हम खेलते थे, आजकल लोग मोबाइल में खेलते हैं बस। अरे सुनिए जनाब, आपके जमाने में तो मोबाइल ही नहीं हुआ करता था और आज का देख लीजिए, अगर मोबाइल नहीं हो तो कोई काम ही नहीं होगा। I think everyone is aware about the rules and regulations to be followed, but still it is my duty to tell you the rules again. Boss, apple juice तो खत्म हो गया, आपको orange juice चाहिए क्या? अरे तुम PUBG खेलने आए हो या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंग लड़ने आए हो? जब देखो तब जूस पीने की बात करता है। बॉस आप मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हो, आप ऐसे करोगे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अरे यार तुम्हारे भरोसे पे ही तो पबजी में इन्वेस्टमेंट किया है,
मैं भी ऐसा ही हूँ बॉस। ट्रिप पे जाने के लिए ना मैंने अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों को सामान पैक करने के लिए बोल दिया है। यहाँ से फ्री होते ही निकल जाऊंगा बॉस। एंड द गेम स्टार्ट नाउ। भाई 30 लोगों को पार्टिसिपेट किया गया है गेम में, लेकिन जो लोग आए हैं वो सिर्फ 29 लोग हैं। कौन नहीं आया है? हरीश नहीं आया भाई। अगर हरीश खेलता तो वो जीत जाता, और वो नहीं खेल रहा है तो एए, गेट बंद करो। आज वो कैसे अंदर आता है मैं भी देखता हूँ। स्टार्ट होने में बस 2 मिनट है। कोई नहीं आया बॉस। अरे जाओ जाओ जाकर खेलो, जाओ जाओ। बहुत शाना आदमी है यार, मुझे अकेले ही भेज दिया। लास्ट कॉल फॉर द लास्ट कंटेस्टेंट, रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज आएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम। तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो, नहीं आएगा वो, हम उसको आगे नहीं देंगे। स्मॉल अपडेट, लास्ट कंटेस्टेंट इज भरत। ये हरीश की जगह भरत कैसे आ गया? नहीं भाई, ये तो हमारा बच्चा है। भरत वेयर आर यू, प्लीज कम फास्ट। ये हरीश की जगह बुला रही है, कहाँ गया? अरे हमारा बच्चा कहाँ है? बॉस मैं आ गया बॉस, बड़ी अर्जेंटली आया हूँ बॉस। अबे वहाँ 1-2-3 काउंटडाउन चल रहा है और तुझे पेशाब आ रहा है। जाओ जाओ, अरे जल्दी जाओ खेलो। हाँ जा बकर बनाते हैं। सब कुछ कैसे संभालूं? अरे वाह सुपर यार, क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी जीत के आ गए। विश मी बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉस। मतलब मैं पहले ही हार गया बॉस। क्यों बे? जल्दी आओगे बोल कर गया था, फर्स्ट आउट होकर आ गया। बॉस मैं क्या करूं बॉस, उसने मुझे पहले ही आउट कर दिया यार। ऐसा थोड़ी होता है। मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हरीश नहीं जीतना चाहिए। अरे चलो नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी, लेकिन बजरंगबली ने बॉडी अपने को एक नंबर A1 दी है। ए, मेरे दोस्त को मारने से पहले सोचना चाहिए था, और मेरे सामने होते हुए तो डबल सोचना चाहिए था। छोड़ना मत इसे। Ah!
साइंटिस्ट बनने के लिए इधर अपन नहीं आया, समझा गया? मैकेनिकल, रॉयल मैकेनिकल। तरक्की करने वाले को तरक्की करने दो, हो सके तो तुम भी साथ चलो। मुझे छेड़कर होशियारी करने की कोशिश की तो बर्बाद कर दूंगा। Thank you.
सामने फाइट किया था ना, कौन था वो? अरे वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम धनुष है। लो वो आ गया। इसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई? ए हरीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए तुम क्लास बंक करके कहाँ गए? अरे उसको छोड़ यार, लंबी कहानी है। प्रैक्टिस का क्या हुआ? पहले तू बता के कहाँ था। बाय द वे शी इज खुशी, उस खुशी ही इज धनुष। हाय। Students, today we will study about BHP. That means brake horsepower. Good morning, madam. Yes. Sorry, थोड़ा late हो गया, कुछ personal काम था मुझे। आपकी इजाजत तो अंदर आ सकता हूँ? 5 साल से तुम अंदर कदम ही रख रहे हो, अब बाहर कब जाओगे क्या पता? 100% मैडम, इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। अभी 4-5 साल और लगेंगे, तुम पास हो जाओगे ये सोचकर ही मैंने तुम्हें क्लासरूम में सीट दे रखी है। देखो 100% मार्क्स तो तुम्हारे आने से रहे, एटलीस्ट 35% मार्क्स तो लेकर आओ और यहाँ से जाओ। तुम यहाँ से जाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो। थैंक यू मैडम। अब अंदर आके बैठ जाओ। ओके। हाय। क्या बात है, पेपर पढ़ रहे हो क्या? सीनियर आपको मैटर पता है क्या? क्या हुआ? सनी को बच्चा हुआ है, ये खबर पेपर में छपी है। ए भगवान, ये क्या पागलपन है। किसी को बच्चा पैदा होता है तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये सब चीजों को पेपर में छापने की क्या जरूरत है तू? मुझे नहीं पता। अब क्या हुआ? अरे देखिए मैडम, यहाँ पे क्या हो रहा है, सनी लियोन ने बच्चा पैदा किया है, अब वो अपने बच्चे को झूले में लोरी सुना रही है, तो कौन सी बड़ी बात है, पेपर में छाप दिया। ए भगवान, ये क्या हो रहा है। अरे प्रताप, तुम्हें अकल वकल है भी कि नहीं? एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से जोर जोर से बातें कर रहे हो, चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या? सॉरी मैडम, मैं तो बस टॉपिक क्लियर कर रहा था मैडम। चुपचाप बैठो। ओके मैडम, आप बोलती हैं तो चुप हो जाता हूँ। ओके फाइन, टुडे लेट्स स्टडी अबाउट बीएचपी। ईच एंड एवरी इंजन विल हैव अ ब्रेक हॉर्स पावर। इसका मतलब ये हुआ कि इंजन का स्पीड बीएचपी पर डिपेंड होता है। गॉट इट गाइस? सीनियर, आपकी गाड़ी की बीएचपी कितनी है? देखो, गाड़ी की बीएचपी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरी गाड़ी का हॉर्स पावर बहुत जबरदस्त है। ओहो, अच्छा है सीनियर, वेरी गुड। क्या रे पागल, उसको मेजर थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन तू कहे तो अगला आईपीएल आने से पहले मैं सब कुछ डिटेल में तुझे पता करके बता दूंगा। इस बार कप तो तुम्हारा ही है। वो सब तो मेरे ही हाथ में है। सुनो प्रताप, तुम खुद तो ध्यान नहीं देते, कम से कम दूसरों को तो ध्यान से पढ़ने दो। ओके मैडम। चुपचाप रहो तुम। राइट मैडम। अच्छा आदित्य। यस मैडम। तुम भी चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या? मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था तो वही डाउट मैं सीनियर से पूछ रहा था मैडम, पूछ रहा था, क्लियर कर रहा था। हां मैडम। शट अप। तुम दोनों बाज नहीं आओगी। अच्छा मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो कंप्लीट कर दिया? हां असाइनमेंट। यस मैडम, यस मैडम। दिखाओ फिर। मैडम वो एक्चुअली मेरे वो मेल में पड़ा हुआ है मैडम, वो मैं आपको कल कर दूंगा। ऐसा है क्या? एक्चुअली मैडम हमारा जो घर है ना वो ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे है, तो मैं मेरा लैपटॉप है ना टॉप फ्लोर पे लेके आके उसके बाद आपको मेल कर दूंगा। अरे मैं पूछ कुछ और रही हूँ, जवाब कुछ और दे रहे हो, बेवकूफ। पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर सकते? उधर देखो, वो भी तो सीनियर है, पढ़ाई को लेकर कितना सिंसियर है। क्या बोला, ये लड़का सिंसियर है? ये तिलक लगा के आया है सर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंसियर है। ये लड़का पूरा का पूरा गजनी का कजिन है, ये तो 10 मिनट में सब भूल जाता है। देखिए मैडम, शर्मा रहा है, सच बोल रहा हूँ, इसीलिए शर्मा रहा है। तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? सॉरी मैडम। सीनियर मुझे एक डाउट हो रहा है। सीनियर क्यों, क्या हुआ? सीनियर आप 5-6 साल से एक ही क्लास में बैठे हुए है, आपको तकलीफ नहीं हो रही क्या? इसमें तकलीफ क्या, आराम से रह रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है, छोड़ो मत सीनियर। सीनियर अगर तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है तो 50% मार्क्स ना सही, कम से कम 35% आना चाहिए। अरे बाप रे, ये सब छोड़ो ना, मुझे बहुत दिन से एक बात पे बहुत डाउट हो रहा है। किस बात का डाउट सीनियर? क्या तुम क्लियर कर दोगे? ऐसा क्या बात है सीनियर, तुम बोलो तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा डाउट। मैं बड़े से बड़े डाउट को ऐसे ही क्लियर कर देता हूँ। कौन है हम लोगों में जिसके बाल बहुत अच्छे हैं?
मुझे तो तुम्हारे ऐसे कर्ली हेयर बहुत पसंद है मेरे सीनियर। ओह, मुझे तो स्मूथ हेयर बहुत पसंद है मेरे सीनियर। स्मूथ के साथ साथ कड़क होगा तो भी चलेगा सीनियर। क्या कड़क बाल से काम चला लूंगा, लेकिन स्मूथ बाल ज्यादा पसंद है। मुझे तो ऐसे बाल मिल जाए तो काफी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं सर पे उगने वाले बालों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं इतनी सीरियसली पढ़ाई करवा रही हूँ और तुम लोग हॉकी गेम खेल रहे हो? क्या मैडम, क्या बोल रहे हो आप? ये कोई ऐसी वैसी गेम नहीं है, पबजी गेम है ये। पबजी क्या है ये? पबजी पबजी पबजी, आखिर इस गेम में है क्या? इसमें क्या है मैडम? इसमें बहुत कुछ है मैडम, बहुत कुछ है। मैं अपने लड़कों के साथ स्क्वाड बनाता हूँ, फिर फौजियों के अंदर रह के बॉर्डर पे जाके एक एक करके हमारे देश के सारे दुश्मनों को एक ही बार में हम लोग बंदूक उठाते हैं और एक एक करके भून देते हैं। बॉर्डर पे जाके दुश्मनों को मारने का अपना अलग ही मजा है, और सामने से अगर दुश्मन हम पे वार करता है तो उसको पलट के वार करने में एक अलग ही मजा आता है। इसके अलावा बहुत कुछ होता है मैडम, इसके अलावा बहुत कुछ होता है। ये पबजी गेम है, यहाँ बहुत कुछ होता है। बकवास बंद, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, डर नहीं लगता तुम्हें? बहुत डर लगता है मैडम, बहुत डर लगता है। एक एक मिनट हमारी जान पे बनी रहती है। टाइम आउट हो जाऊंगा, सेफ जोन हो जाऊंगा, आउट हो जाऊंगा, ये सोच के मैं पूरा दिन डरता हूँ मैडम। मेरी एक ही ख्वाहिश है मैडम, मैं मरने के पहले अपने टीम के फौजी की जान का बदला लेना चाहता हूँ। चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, मुझे जीतने के लिए हमेशा कॉइन मिलते रहने चाहिए। विनर विनर चिकन डिनर। जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी। तुम सुधरने वाले नहीं हो, पड़े रहो और दो साल यहाँ पर। आपको क्या लगता है मैडम, मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं करता हूँ क्या? बात करती हैं। यार इस साल कॉलेज के फेस्टिवल को हम लोग ग्रैंड बनाएंगे। देखो भाई लोग, तुम लोग पढ़ाई करके सीनियर हो जाओगे, लेकिन मैं अपनी सीनियोरिटी को छोड़ नहीं सकता। लेकिन उसने अगर मेरी मूछों के बालों को काटने की कोशिश की तो तुम देख लेना, मैं उसकी पूरी की पूरी मूछ उड़ा दूंगा। यार अगर सीनियर के सामने चुपचाप रहेंगे तो हम सब इंजॉय कैसे करेंगे? साइलेंट कौन रहेगा? तुम साइलेंट रहोगे खाली। सही बोला गुरु, वैसे इसमें इसका कोई चांस है ही नहीं। क्राउड का रोल वो लोग प्ले करेंगे, हम लोग तो स्टेज के ऊपर राज करेंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे आपके पीछे इतने सारे लोग हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है कि आप उड़ रहे हो। यार तुम्हें क्या लगता है, वो जो बोल रहे सही है ना? अरे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मैकेनिकल की कहानी तो हर कोई जानता है, समझाने से पहले वो खुद ही समझ जाएंगे, छोड़ दो यार। और अगर नहीं समझे तो? पटाके। करोड़ों रुपए खर्च करके लोग जीत नहीं पाते हैं और तुम खाली हाथ हिला के भाषण दे के जीत जाओगे क्या? हम दशहरा देखने नहीं आए, दशहरा मनाने आए, समझे क्या? Thank you.
देख यार, इस बार का जो रिजल्ट है ना, ट्रैक बिखरा बिखरा लग रहा है। देखना भाई, मेरा रिजल्ट कौन से ट्रैक पे है? देखो, अरे मेरा रिजल्ट तो बिना देखे ही बोल सकते हैं। क्या हुआ? अरे यार, वही वाइब्रेशन का, वही थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल, देखते हैं। अरे यार, वैसे भी वो पुराने पैक जैसा है मेरे भाई, समझा? अरे यार, आज तक आरसीबी कप नहीं ले पाई तो फिर यार हम किस खेत के मूली हैं? हाँ, ये साला इस बार कप नहीं जीता तो क्या, अगले बार जीत लेंगे, क्या है इसमें, फिकर मत कर यार। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, चल ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? भाई, आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है, दिन है कि रात है इसका कोई पता ही नहीं चलता एकदम। ऐसा है क्या? अब क्या करेंगे भाई? मेरे जो कॉलेज में खुशी है ना, उसे मैं पसंद करने लगा हूँ यार। अरे कौन सी खुशी? अरे खुशी जो हमारी दोस्त है यार। ये मैटर तूने हरीश को तो नहीं बताया ना? अरे हरीश तो अपना बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सक्सेस हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा ना। भाई अपने एक्सपीरियंस से मैं तुझे एक कहानी बता रहा हूँ, ये सक्सेसफुल स्टोरी सिर्फ फिल्मों में होती है, रियल लाइफ में कोई सक्सेसफुल स्टोरी नहीं होती। यार तुम एक बात जानते हो क्या? हाँ बोल। हमारे बड़े बुजुर्ग ना हमेशा एक बात कहते हैं, लव अगर करो और दिल से करोगे तो लड़की सपने में भी आ जाएगी, और ये लड़की ऑलरेडी मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। आईने में देखो, इधर देखो, उधर देखो, हर जगह आ जाती है, बस जिंदगी में आना बाकी है। चल ठीक है यार, अच्छा ही हो सब, मैं तो चाहता ही हूँ अच्छा हो। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। लेकिन तू मुझे शादी में बुलाना मत भूलना। हाँ यार, एकदम पक्का। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रीति के अंदर प्यार करने जैसा आखिर है क्या उसके अंदर? ए भाई, तू काहे के लिए सोचेगा? मैं सोच रहा हूँ काफी है, मैं प्यार करता हूँ, तू काहे के लिए सोचेगा? हाँ? आया बड़ा। अरे छोड़ना यार, तू टेंशन मत ले, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अरे नहीं यार, खुशी को देखने के बाद कौन उससे प्यार नहीं करेगा यार। मैं कॉलेज का दामाद हूँ, बाकी सब बेकार हैं। हाँ? अरे क्या बात है, आज पूरी क्लास ही खाली पड़ी है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या यार, सब लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, सब लगता है सब के सब गेम में बिजी हैं। एकदम सुपर, सही बोल। हाय सीनियर। चल उठ यहाँ से, वहाँ जाके आगे बैठ जा। अरे यार सीनियर, इतनी सारी जगह, कहीं भी जाकर बैठ जाओ ना। पिछले 5 साल से मैं इसी बेंच पे इसी जगह बैठ रहा हूँ और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, जाओ तुम जाके बैठो उधर। नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगा सीनियर, कहीं भी जाकर बैठ जाओ तुम। इतना दर्द हो रहा है तो आयोडेक्स लगा के उठ जाओ। सीनियर अपना ही दोस्त है, सीनियर बेचारा कहाँ जाएगा, इधर ही बैठने दो ना उसको। अरे अपना लड़का है वो ठीक है, लेकिन मेरी सीनियरिटी का क्या, मैं 5 साल से इधर बैठ रहा हूँ। चल चल जल्दी आके जा। ठीक है सीनियर, मैं फर्स्ट बेंच पे जाकर बैठ जाता हूँ। चल चल बैठ इधर, बैठ। लड़की के पास बैठने का शौक है, लड़की के पास है, चुपचाप इधर बैठ। चल, ये टॉपिक तुमने पढ़ा है? हाँ, मैंने टॉपिक पढ़ा था, बट मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे भी थोड़ा डाउट है इसमें। तुम्हें क्या लगता है, ये हो पाएगा? तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। ए हाय। हाय। अरे आजा यार, ये तो मेरी जान खा रही है कब से। ए धनुष, इसको मैं जावा सिखा रही हूँ, तुझे भी सिखाऊं क्या? हाँ, मुझे तो छोड़ दो यार, बिना जावा के जिंदगी नहीं है, मैं जानता हूँ वो कितना जरूरी है। भाई जिंदगी कैसे जीते हैं मुझे अच्छे से पता। अरे ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ और तुम इसको जावा सिखा रही हो, पैसे अभी के लिए इतना काफी है, बाद में पढ़ते हैं। भाई हा? वो जावा सिखा रही है, तुम सीख लो ना भाई। भाई तो तुम ही सीख लो ना फिर। अरे छोड़ो यार भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है फिर, क्लास में मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय बाय। सुनना, ये सब क्या है यार? हाँ। क्या हो गया यार, आजकल कोई लड़की नहीं दिख रही है। क्या बात है भाई, अब तब कोई ब्यूटी भाई, वो देखो भाई। हाँ। अरे क्या बात है, राम लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोड़ो बॉस, उधर देखो बॉस, वो दोनों लड़कियां हमारे सामने ही चली आ रही हैं। यही सही वक्त है, चलते हैं भाई। चलो आज छेड़ कर मजा लेंगे। हाँ बॉस। ए रुको, तुम निकलो।
क्या लग रही हो यार, इतनी खूबसूरत हो, मन करता है बाहों में। इडियट। ओहो। ए? ए? आहा, क्या बात है, सो सेक्सी। ए, रुको रुको, बस छोड़ दो, बस क्राइम नहीं बॉस। छे, ए यार वो। हे खुशी, धनुष है ना, सब संभाल लेगा। हे खुशी, क्या हुआ, ऐसे साइलेंट क्यों बैठी है, क्या हो गया इसे? यार। हाँ ब्रो, इस बार तो वो निकल गई, लेकिन अगली बार हाथ से नहीं निकलेगी। अरे किधर जाएगी ब्रो, वापस आ जाएगी अपने पास। ए, ये यहाँ किस लिए आया है? ए, खुशी की राइडिंग तुम में से किसने की? ये देखो, उसे छेड़ने पर इसको दर्द हो रहा है, ये देखो। बच्चे जा, जरा संभाल इसे। ओ शिट, ए जा मारो उसे। भागो भाई, भागो, यहाँ से भागो भाई। खुशी को दुख देने से पहले, आगे से पहले 10 बार सोच लेना।
या इस बार तो छोड़ रहा हूं, दोबारा ये गलती नहीं करना। चल मेरे भाई चलते हैं। माताजी सबकी रक्षा करो, साथ में मेरी माँ जो सपना देख रही है उसे पूरा करने में मेरी मदद करो। भगवान कुछ ऐसा करो कि खुशी मेरी और बढ़ जाए। जय माता दी, जय माता दी रक्षा करो, जय माता दी रक्षा करो। जी इतना जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली, कमाल कर दिया माते। माता तेरी सदा जय हो। अरे अभी तो इधर से किधर चले गए, इधर भेजा है तो मेरी लाइफ में भेज दो भगवान। माता कहाँ भेज दिया इसको, मेरी लाइफ में भेजना है। खुशी तुम यहाँ कैसे आई? अरे वो सब छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है। किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, तुम अचानक कैसे आ गई? मैं तो बस मंदिर आई थी। और तुम किसी को लाइन मारने आए थे? अरे तीर तो मैंने छोड़ ही दिया है, पर तुमको पता ही नहीं चला। अरे मेरे से कौन पटेगी खुशी, ऐसा थोड़ी है। ओहो ठीक है, टाइम हो गया मैं चलता हूँ। कोई तो पटी जाएगी। नहीं नहीं मेरे को जाना है। ठीक है चलो टाइम हो गया है। तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने कुछ सुना है, बताओगे? नहीं बताओ ना, किधर करो। आहा, सुंदर लग रहे हो, सब लोग तुम पर फिदा हो जाएंगे। अच्छा अभी चलते चलो। छोटे पापा बोलो बेटी, इंडिया जाने के लिए टिकट बुक हो गई है। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हेलो क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। पिताजी पिताजी ये पिताजी पिताजी धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा आपको पापा। अरे बेवकूफ क्यों रो रहे हो पिताजी? बोलो पिताजी। बेटा आज मेरा वक्त आया है, कल किसी और का आएगा, इसके लिए इतना क्यों सोचना? सबकी जिंदगी एक जैसी ही है, अगर ये सब नहीं होता तो हम सब भगवान बन जाते ना बेटा। अबे तुम मेरे बारे में चिंता मत करो बेटा, तुम अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। मेरे जाने का वक्त हो गया है बेटा। मैं हमेशा आपके साथ हूं पिताजी। यार
क्या हो गया भाई? पिताजी का हाल मुझसे देखा नहीं जाता। अचानक क्या हो गया? अरे यार, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हारी इस तकलीफ को देखकर, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तकलीफ इंसान को ही होती है, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य रखो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है यार, लेकिन एक बेटे को कोई भी जन्म दे सकता है, पर उसकी परवरिश अच्छे से हर कोई नहीं कर पाता है। मुझे इस पल की तकलीफ नहीं है यार, लेकिन जो वक्त मैंने पिताजी के साथ गुजारा है, वो सारे दिन, वो सारे पल मुझे बहुत सता रहा है भाई। अरे चिंता मत करो, हिम्मत रखो। I can understand नहीं हो पाएगा भाई। धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा। देखो बेटा, ये मिक्सी काम नहीं कर रही है, जार भी ठीक से लगाया है, प्लग भी ठीक से लगाया है, पानी भी ठीक से डाला है, लेकिन फिर भी नहीं चल रही है। कल तो ठीक से चल रही थी, क्या हुआ? धनुष, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माँ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पिताजी की बहुत याद आ रही है माँ। धनुष, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मैंने तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ी है क्या? नहीं माँ, मैंने कभी पिताजी के बारे में ना ऐसा सोचा ना कभी कहा, लेकिन रियल लाइफ में कोई तो होना चाहिए जिसे आप अपना पिता कह करके बुला सको, प्यार कर सको। ये बात तकलीफ देती है माँ। फिर वो कौन सी बात है? माँ, एक बाप अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी शक्ति होती है माँ। पिताजी, पिता आसमान की तरह होता है। धनुष, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं उन सबको याद जब करती हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। नहीं माँ, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, और परेशान क्यों होना। लेकिन जो भी हमारे साथ घटा है माँ, उन सवालों के जवाब तो हमें ढूंढना ही होगा माँ। नहीं बेटा, नहीं। नहीं माँ, प्लीज पिताजी के बारे में कुछ बताओ ना माँ, जो भी घटा है बताओ मुझे माँ, प्लीज बताओ माँ। तुम्हारे पिताजी बहुत भाई, एक वाटर बॉटल दोगे प्लीज? भाई, रमन्ना नाम का कोई एक लड़का यहां था, उसके बारे में कुछ जानते हो तुम? वो कहां रहता है बता तुम्हें? बेटा, तुम रमन्ना के बेटे हो क्या? हाँ अंकल, मैं रमन्ना जी का बेटा हूं। क्या बात हो गई बेटा? अंकल, पिताजी के बारे में कुछ जानकारी लेना था, इसलिए उनकी कब्र पे जाना था मुझे। अच्छा, ऐसा है क्या? बेटा चलो, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू अंकल। सरोजा देवी कैसी है? तुम क्या करते हो? मैं इंजीनियरिंग फाइनल कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। बस बेटा, यहाँ पास से ही ना पैदल जाने का रास्ता है, आओ चलते हैं। अच्छा ठीक है, यही है बेटा तुम्हारे पिताजी की कब्र। बहुत पुण्य आत्मा थी। आज तुम इस दुनिया में हो तो उसकी वजह वही है बेटा। उसने अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें नई जिंदगी दी थी। पता है उस दिन क्या हुआ था? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे को बचा लो। Thank you.
सरोजा, ये तुम क्या बोल रही हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में होना। हम जब इतनी तकलीफ में हैं तो इस सोने का मैं क्या करूँगी? तुम्हारे मंगलसूत्र को बेचकर अपनी तकलीफ दूर करने वाला नहीं हूँ। जल्दी से दे दो, ऑपरेशन ठीक से हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। आपके पैसे कितने हुए बोलिए, मैं बताइए, मैं दे देता हूँ।
मतलब है कि वो लव लेटर खुशी तक अभी तक पहुंचा नहीं। चलो देखते हैं, टाइम आने पर सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी पढ़ाई पर अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए भाई। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम धनुष है सर। मेरा आईएएस कॉल लेटर अभी तक नहीं आया, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, क्या बताएंगे? आपका आईएएस कॉल लेटर है क्या? जी। एक काम करो, इधर से सीधा जाकर लेफ्ट में एक लेडी ऑफिसर बैठी है, उसके पास जाकर पूछ लो। ओ ऐसा क्या, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हरीश के पिताजी यहाँ पे? मेरे गेट की चौकीदारी करने वाले का बेटा है वो, उसके सामने मैं हाथ बांधकर खड़ा रहूंगा क्या? ऐसे लोगों को शुरुआत में ही काट देना चाहिए, नहीं तो हम भी काट देंगे। हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है क्या इस जमाने में? किस पे भरोसा करें किस पे ना, समझ नहीं आता। जैसा मैंने बोला था वैसे ही किया ना। अरे मुझे वो कहानी नहीं चाहिए, उस लेटर को हटा दो। ये बात किसी भी तरह धनुष को नहीं पता चलनी चाहिए, ऐसा इंतजाम करो। हाँ ओके बाय। सर वो काम हुआ या नहीं? सक्सेस कैसे सक्सेस? मैं इतने सालों से राज कर रहा हूं, अगर ये नहीं कर पाया तो फिर क्या फायदा? उसके आईएएस एग्जाम का हॉल टिकट नहीं मिलेगा, मैंने इंतजाम कर दिया है। कहां से एग्जाम देगा? आईएएस का एग्जाम उसके लिए सपना बन जाएगा। इसका मतलब है उसका आईएएस बनने का सपना सपने में ही रह जाएगा। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया हूं, मैं इसको सैल्यूट करूंगा, बेवकूफ हूं क्या? नेवर, इम्पॉसिबल। धनुष कॉल लेटर मिल गया क्या बेटा? हाँ माँ, मिल गया। मैं जानती थी बेटा, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट रुको, आती हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई करके एक बड़े अधिकारी बन जाओगे तो उससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, सुनो। इस समाज में हमें तभी इज्जत मिलती है अगर हम अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ अच्छे से रहें, या फिर अच्छे लोगों के साथ रहें। ऐसा ही भगवान ने हमें आशीर्वाद दे रखा। अरे माँ कहाँ है भगवान? तकलीफ उठाने वाले हमेशा तकलीफ उठाते रहते हैं और अमीर लोग हमेशा और अमीर होते जाते हैं। इन सब के पीछे भगवान ही वजह है। मंदिर में आरती करने वाला पुजारी किस लिए मंगल आरती करने के लिए पैसे मांगता है? ताकि वो भी बड़ा आदमी बन करके अपनी जिंदगी ढंग से जी सके। धनुष तुम गलत समझ रहे हो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। सुख दुख मौत दर्द ये सब देखने के बाद ही इंसान इंसान बनता है। अगर हमारी जिंदगी में ये सब नहीं होगा तो हम भी भगवान बन जाएंगे। वैसे भी उस भगवान ने हमारे लिए क्या कमी छोड़ी है? बिना मांगे सब कुछ तूने दिया है, मेरी भगवान तो तू ही है माँ। भगवान ने तो मुझे सिर्फ दुख ही दिया है और उस भगवान को मैं कभी मान नहीं सकता। सब्र रखो बेटा, हम जो काम करते हैं वही हमें समाज में इज्जत दिलाता है। ये अधिकारी पद वैसा हमेशा, ये अधिकार पद पैसा हमेशा किसी के पास नहीं रहता है। किसी काम को करने के लिए सब्र हिम्मत हमेशा होनी चाहिए। सच कह रही हो माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है बेटा, चाय पीकर रिलैक्स करो। अपने बाप की तरह जिस मालिक को माना वही हमारे साथ धोखा कर रहा है। वो चोट ये माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसे अपने
भाई मुझे काम चाहिए था, कोई काम मिल सकता है क्या आपके पास? मालिक अंदर है, आप उनसे बात कर लीजिए। सर। यस। मैंने सुना यहाँ काम की जगह खाली है। हाँ खाली है, पार्किंग लॉट में गाड़ियों के टिकट फाड़ने का काम है, तुम करोगे? बोलो। ठीक है सर, करूंगा मैं सर। पहले काम की तलाश में आते हैं, उसके बाद गाड़ी से पेट्रोल और गाड़ी दोनों चुरा लेते हैं, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। थिएटर ने मुझे सहारा दिया और फूड डिलीवरी के काम ने मुझे खाना दिया। सर यही मेरी लाइफ की स्टोरी है सर, विद स्क्रीन प्ले आपको बता दिया सर। बचपन से साथ रहने वाला मेरा दोस्त ही मुझे नहीं समझ पाया सर, बड़े लोगों को बोल के क्या फायदा सर। लेकिन बड़े लोगों की सोच को जानकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया था सर। फिर भी चाहे जो भी हो, दोस्त दोस्त ही रहते हैं हमेशा सर। इसी वजह से मेरा प्रेम उनके लिए कहीं कम ना हो जाए, यही सोचकर दूर आ गया मैं सर। ओहो बहुत बुरा हुआ बेटा। हाँ सर। लेकिन एक बात बताओ, तुम घर छोड़कर आए लेकिन लक्ष्य को क्यों छोड़ा? हर एक इंसान जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सारी रुकावट पार करता है, तब जाके हासिल करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना तुम, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मुझे मिले आईएएस ऑफिसर के रूप में ही मिलना, दिमाग में ठान। डिलीवरी करने में 10 मिनट लेट हो गए तो चप्पल से मार के निकाल देने वाले जमाने में इतनी देर तक मेरी कहानी को सुनकर मुझे एडवाइस दिया आपने, मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूलूंगा सर। अब मैं चलता हूँ सर। थैंक यू बेटा, खुश रहो। सर शॉट रेडी है सर। रेडी है ना? यस। यही मेरा घर है। अरे बाप रे अंजू, तुम इस बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे मैं अकेली क्यों रहूंगी, मेरे मम्मी डैडी भी साथ रहते हैं। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? फौरन जाने के बाद हम सबको भूली गई, एक कॉल भी नहीं, एक मैसेज भी नहीं, हम इतने पराए हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, स्टडीज, रिसर्च, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट वर्क, इन सब के बीच में वक्त ही नहीं मिला। अरे स्टडीज के बारे में बात करना छोड़ो, कुछ और बात करो, वहाँ की लाइफ कैसी है? फुल एंजॉय किया ना? बताने जैसा कुछ नहीं है यार, इमोशन को साइड में रखकर एंजॉय करने के लिए स्टडी के लिए फौरन अच्छा है। फैमिली, फ्रेंडशिप, सेंटीमेंट, अटैचमेंट के लिए इन सब में हमारा इंडिया ही ग्रेट है। वाओ ग्रेट है यार तू, मुझे लगा तुम इंडिया की संस्कृति को छोड़कर वहाँ की संस्कृति को अपना लिया है, लेकिन दूर रहकर इंडिया को नहीं भूली हो। फॉरेनर के लिए कल्चर सिर्फ दिखावे के लिए रहता है, लेकिन इंडियन कल्चर हमारे खून में हमेशा रहता है। तुमसे कुछ बात करनी थी हरीश। अंदर आइए माँ, क्या बात है बोलिए। धनुष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया है पता नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो, कहाँ चला गया वो? पता नहीं बेटा, कल रात को सोते वक्त कुछ तो सोच रहा था वो, और सुबह मेरे उठने से पहले ही निकल गया था, और मुझे कुछ बताकर भी नहीं गया। मुझे लगा कि अभी आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, पर आया नहीं, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ठीक है माँ, चिंता मत करो, मैं उसका पता लगाता हूँ, आप आराम कीजिए। जाओ बेटा, जल्दी से धनुष को ढूंढ कर लाओ। ठीक है माँ। सरोजा, सरोजा। आई मालिक। हे ईश्वर, रक्षा करो मेरे बेटे की।
अरे श्री, इतना खुशी खुशी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? क्या बात है? अरे यार, मूवी के लिए रात को बताया था ना, तुम लोगों को नहीं चलना क्या? अच्छा, मूवी देखने के लिए। ए मेरी माँ, हम तो 4-5 बार देखकर बोर हो गए हैं, अब कौन सी फिल्म देखें? अरे यार, हिंदी फिल्में देखनी है, फॉरेन में इंग्लिश फिल्में देख देख कर बोर हो गई हूँ, इसलिए कोई लोकल थिएटर में जाकर इंडियन लोगों के बीच बैठकर कोई अच्छी सी फिल्म देखने का और सीटी बजाकर एंजॉय करने का मन है, इसलिए जा रही हूँ। तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं? सुपर प्लान है यार, आज जो भी काम है हम खत्म कर लेते हैं, तुम जाकर देख कर आओ। ओके यार, तुम लोग अपना काम खत्म करो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिस मत करना। ओके। थैंक यू। ए भाई, क्या लड़की है यार। भाई आप बोलो तो नंबर निकाल लें इसका। हा? हा? बीड़ी पीकर जो किक लगती है वो गांजा पीने से भी नहीं जाती। इसका नशा तो सबसे अलग है, अगर इसका नशा करने को मिल जाए तो दिमाग ही हिल जाएगा। क्या हो गया बुलबुल, बात भी नहीं करोगी क्या? हे, ये अमरीश पुरी का डायलॉग है, उनके मुंह से ही सुनने में अच्छा लगता है, यही उनकी ताकत है। आज अमरीश भाई नहीं है ना, तो उसका मजा मैं दे देता हूँ। किसने बोला कि अमरीश भाई नहीं है? यहाँ रहने वाले हर धरती पुत्र के दिल में रहता है वो। ज्यादा बोले क्या? सुनने के लिए नहीं आया इधर मैं तुम्हारे पास। वो गुंडे लोग तुम्हारे लिए पागल हो रहे थे, उनके साथ मुंह लगने की क्या जरूरत है? तुम किसके फैन हो? मैं तो डी बॉस का फैन हूँ। वैसे फाइट तुम बहुत अच्छा करते हो और तुम्हारी बातें भी अच्छी हैं। सारी फिल्में इधर ही दिखा दोगे, मुझे लेट हो रहा है। बाय बाय। क्या बात है बॉस, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या कहूं मैं, तुम्हें टिकट फाड़ने का काम दिया था, तुम तो लोगों को फाड़ रहे हो। हाँ क्या है ना सर? क्या है हाँ बताओ मुझे। तुम हमेशा मुझे बेवकूफ बनाते रहते हो, क्यों?
तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो? सर वो लड़की को छेड़ रहे थे तो ऐसे गुंडे को मारना गलत है क्या? वो अच्छा वो लड़की को छेड़ रहे थे क्या? अच्छा किया तुमने, अगर मैं वहाँ होता ना तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता मैं। आप तो चुप ही थे सर, वहाँ खिड़की में चुप चुप के देख रहे थे तो, तब क्यों नहीं निकले आप बाहर? इसे कैसे पता कि मैं वहाँ था? अपनी बकवास बंद करो तुम। अरे ये लड़ाई तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है वो किस दिन काम आएगी, यही सोच कर मैंने सोचा कि तुम ही लड़ लो। हाँ सर, ब्रूस ली के साथ हॉलीवुड लेवल की फाइट देखी है ना सर, वहीं से सीखा है सब कुछ। अरे ब्रूस ली का भी क्या जमाना था, अरे उस जमाने में ना मैं भी खिलाड़ी था पता है। और तुमने भी पिक्चर वगैरह में काम करने का सोचा है क्या? सर पीछे गुरु आगे लक्ष्य, दिल में सब्र और कंधों में हिम्मत होगा तो एक दिन तो अपन हीरो बन ही जाएंगे सर। जेब में दूध लेने के पैसे नहीं है और अपने आप को हीरो बनते देखना चाहते हैं। हमारे थिएटर में जो दो तीन लोग आते हैं वो भी आना बंद कर देंगे। अब तुम क्या परमानेंटली मेरा धंधा यहाँ पर बंद करवा देना चाहते हो? ये तो मेरा धंधा ही बंद करवा देगा। जाओ एक काम करो, तुम दूध पी के सो जाओ। अच्छा ठीक है सर, अभी मैं चलता हूँ। चलो हीरो बनेगा बड़ा है। बेटा भले ही तुम यहाँ नहीं हो लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखकर मुझे तुम्हारे यही होने का एहसास होता है। जो कुछ भी हो जल्दी घर लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ धनुष, जल्दी आ जाओ। माँ कपड़े धोकर जल्दी आ जाइए, मुझे आपको एक गुड न्यूज सुनानी है। गुड न्यूज? क्या बात है बेटा, धनुष आ गया है क्या? कहाँ है धनुष? माँ जी धनुष इतनी जल्दी नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा, ऐसा क्या हुआ उसको? वो आईएएस का एग्जाम क्लियर करके ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया है, तो अब वो ट्रेनिंग खत्म करके ही आएगा। दिल्ली गया है क्या, मतलब उसको काम मिल गया है क्या? हाँ माँ काम मिलने जैसा ही है, वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, उसे वापस लौटने में चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो कहीं भी रहे बस खुशी से रहे, उसे अपने सपनों को पूरा करने दो। बस मेरे लिए इतना काफी है, मेरी ख्वाहिशों को और मेरे सपनों को उसने सच में बदल दिया। वो आईएएस ऑफिसर बन गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। हे भगवान हमारी रक्षा करो। मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, ऐसा सपना मैंने देखा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा। मैडम पार्किंग टिकट। हे तुम, लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप? अरे पहले पैसे देकर टिकट लेकर आओ। तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं सोच रही थी हम दोनों दोस्त हैं। घर में बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, और तुम पार्किंग टिकट मांगकर मेरी जान खा रहे हो। ओ, फ्रेंडशिप इसलिए करना है ताकि पार्किंग टिकट ना भरना पड़े। अरे तुम ही सोचो, रोज फिल्में देखने आती हूँ, पार्किंग करने से पहले ही तुम टिकट मांगते हो। इतने पैसे दे देकर मेरी पॉकेट पहले ही खाली हो चुकी है, आज के बाद फिल्म नहीं देखूंगी। फिर तुम लोग बोलोगे कि रोज आने वाली लड़की आजकल क्यों नहीं आ रही है, अगर ऐसा होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ओ, इतना भी सीन नहीं है, पार्किंग टिकट लेकर आओ या तो गाड़ी लेकर जाओ। अरे इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहे हो, फ्रेंडशिप में कितना मजा आता है तुम्हें क्या पता। ये लो। फ्रेंडशिप में ये क्या मजा आता है वो बाद में देख लेंगे, चेंज वापस देना है रख लो। हाँ हाँ दान थोड़ी ना है, दे दो। पार्किंग टिकट लेकर मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे, बाय। अरे पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स देख के आना, आधी फिल्म बीच में छोड़ के मत आ जाना, नहीं तो डिस्काउंट मांगेगी बैठ के। आई बड़ी। क्या बात है श्री, तुमने फोन करके आने के लिए बोला? धनुष कैसे बात शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, क्या बात है बोलो ना। धनुष मुझे ऐसा लगता है तुम कई घंटे काम करते हो, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज कैंपस के इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है इसलिए तुम यहाँ थिएटर में ये काम कर रहे हो। श्री देखो
पापा भी इंजीनियर हो और मम्मी भी इंजीनियर हो, तो ऐसे माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाई करते हैं, और उन लोगों के लिए राष्ट्रभाषा और या अपनी मातृभाषा जो होती है उसकी पढ़ाई इतनी महत्व नहीं रखती है। ऐसे बच्चे LKG UKG करते हैं, इसकी फिक्र किए बगैर उनको क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। उनकी खुद की खुशी को छोड़ करके उनको रोड के ऊपर खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में सिर्फ मार्क्स मार्क्स और मार्क्स, बस उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य रह जाता है कि किसी भी तरह से मार्क्स लेकर के आना है, बस दैट्स इट। उनकी जिंदगी का क्या रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन रिजल्ट के अंदर मार्क्स अच्छे से किसी भी तरह आ जाए उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। किसी भी तरह से इंजीनियरिंग के अंदर IIT करके किसी भी तरह से टॉप कॉलेज के अंदर बस एडमिशन मिल जाए, बाकी कुछ भी हो लाइफ के अंदर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। IIT क्रैक करो, MNC के अंदर किसी भी तरह से काम मिल जाए, कॉर्पोरेट के अंदर काम मिल जाए, लाइफ के अंदर सिर्फ एक भेड़ चाल बना करके पूरी जिंदगी इनकी रख ली जाती है। बस किसी भी तरह 1 करोड़ की सैलरी का पैकेज मिल जाए लाइफ के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए। खुशी मिले या ना मिले, लेकिन 1 करोड़ का पैकेज जरूर मिल जाना चाहिए। मेरी जिंदगी में जिस गांव से मैं पढ़ के आया हूँ, सिर्फ 4 घंटे के लिए वहाँ पे बिजली आया करती थी, लेकिन आज मेहनत करके परिश्रम करके मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ तक मुझे पहुँचना था। स्ट्रीट लाइट में पढ़ के, केरोसिन लाइट के अंदर पढ़ के, इतनी मेहनत करके हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँचने की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। समझ में आई बात तुमको? बगैर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हुए किस तरह से इंजीनियरिंग किया हुआ है, इस बारे में तुमको समझना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होगा। कारण कि तुमने वो गरीबी, वो मजबूरी तुमने कभी देखी नहीं, वो लाचारगी तुमने देखी नहीं। तुम बोलती हो ना कैंपस इंटरव्यू दो, मौका आने के ऊपर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा भी अपना खुद का स्वाभिमान है और मैं अपनी खुद की जिंदगी बनाना चाहता हूँ। किसी की उधार की जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ कि किसी कंपनी के मैनेजर के आगे जी हुजूरी करके अपनी जिंदगी बिता दूँ। धनुष, क्या हो गया पैर में? कल पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करते वक्त थोड़ा सा लग गया था। बताओ क्यों बुलाया? धनुष, लाइफ बहुत अजीब होती है ना। ऐसा क्यों बोल रही हो? गर्मी का, बारिश का, सर्दी का, ये मौसम निकल जाते पता नहीं चलता। कितना सरप्राइजिंग है ना, पर इस तरह तो हमारी भी लाइफ सरप्राइज में ही रहेगी ना। करेक्ट बोल रही हो श्री। लाइफ में अचीव करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं। वॉच का ब्रांड चाहे कोई भी हो, लेकिन वक्त किसी के बाप के लिए भी नहीं रुकता। तुम्हें घड़ी बहुत पसंद है ना? ऐसे ही समझ लो। वॉच देखने के बाद पसंद है या फिर? अरे नहीं, थिएटर से आने के बाद। क्यों, मूवी देखने के लिए? अरे नहीं, पार्किंग लॉट में टिकट देने के लिए। पार्किंग लॉट में टिकट देते देते ही तो तुमने मेरे दिल को जीत लिया। तुम थिएटर में आने के बाद क्लाइंट को पसंद करते हो, लेकिन मुझे जब तुमने टिकट फाड़ कर दिया था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। क्या बात है, चुप क्यों हो गई? नथिंग। लेट्स गो। टाइम तो मुझे याद है। ओह, तो क्या हुआ? प्लीज समझा करो। क्या समझूं मैं? हाँ, तेरी खातिर मैं अपने हर रिश्ते को तोड़कर यहाँ खड़ा हूँ। ये क्या रवि, तुम्हें प्यार करते वक्त जो हिम्मत थी वो अब नहीं है। तो फिर अब क्या, किसी और को पसंद करके आई हो? ये सब तो तुम फोन पे भी बोल सकती थी ना। शिट, आजकल कोई प्यार की वैल्यू नहीं रह गई है। प्यार तो ऐसा हो गया जैसे 6 महीने बाद नारियल खरीदो और फोड़ दो। ना कोई सिद्धांत है, ना कोई इज्जत, ऐसे भी कोई प्यार होता है? पागल हो गया। क्रेजी। बैठ जाओ श्री। तो तुम्हें इसका एक्सपीरियंस है क्या? वैसे मुझे दारू पीने की आदत नहीं है, लेकिन एक बार दारू पीने के बाद एक छोटी सी कहानी है। दारू? अरे आंसुओं की। ओ हाँ, अच्छा तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है? प्यार हर किसी की जिंदगी में आने वाली आग की तरह है। वो हर किसी के दिल में रोशनी कर देता है। हर एक को कम से कम एक बार प्यार करना चाहिए। तुम मेरे सामने बैठो, मेरी आंखों में देखो, जो है सामने है यही प्यार है। वाह, तुम तो शायर बन गए, पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा था। सुपर सलाम। श्री, तुमने पहले कभी किसी से प्यार किया है? देखो, हम जैसा सोच रहे वैसा नहीं होने वाला, इसलिए मैं कुछ सोचती भी नहीं हूँ। वो बात ठीक है, जो लोग प्यार से खुशी को पाते वो कहाँ मिलती है? हम हर पल को जीरो से स्टार्ट करते हैं, उसी वक्त की खुशी हमारे साथ आखिरी वक्त तक रहती है, नहीं तो हमारी लाइफ जीरो हो जाएगी, मेरे जैसी बिल्कुल। धनुष, ये सारी बातें छोड़ो, बुरे वक्त के बाद ना अच्छा वक्त जरूर आता है। हमें अच्छे दिनों की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहना चाहिए। टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। टाइम इतना जल्दी हो गया क्या? ऐसी बातें करते रहना तो वक्त का पता नहीं चलेगा। कल मिलते हैं ना, कल हम और बातें करेंगे। ठीक है, ओके। टाइम बहुत हो गया।
क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है। पता नहीं सर, आजकल ठीक से नींद नहीं आ रही। अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए लगता है तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे ही लगा दी है, या कोई और बात है? ऐसी बात नहीं है सर, आप हमेशा ऐसे ही मूड में रहते हो। बहू की बेइज्जती होती है तो सास की छाती अपने आप फूल जाया करती है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं सर, अगर आपको यही लगता है तो अपने वंश की किताब पढ़ के जरा देख लो आप। कौन सी किताब? अरे सर, काम सूत्र। सुनो, किताब की बात से याद आया मुझे, एक लड़की 1 2 3 4 बस इतने ही लोग आए हैं, अगर इसी तरह से शोज चलते रहे तो सफाई करने के लिए 50 रुपए का फिनाइल भी नहीं खरीद पाऊंगा मैं। हाँ ठीक है भाई। सर यहाँ पर एक धनुष नाम का लड़का काम करता था, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें कोई टिकट वाला दिख रहा हूँ क्या? जाओ वहाँ जाकर टिकट ले लो तुम। सर मैं सिनेमा देखने नहीं आई हूँ, मैं धनुष की फ्रेंड हूँ और ये किताबें उसे देनी है। अच्छा तुम धनुष की फ्रेंड हो, लाओ लाओ दे दो मुझे। और बताओ सर कैसा है कलेक्शन? अरे क्या बताओ, पूरा हाउसफुल है। वो बोर्ड यही लगाया था, पता नहीं कहाँ गया है। हाँ पता चला सर, बाहर बस 3 ही गाड़ी खड़ी है। सर ये किताबें धनुष को देना मत भूलना। मैं और मेरे फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए बाहर जा रहे हैं, 3 दिन लग जाएंगे लौटने में। मैं ये किताबें उसे देने आई थी, भूल मत जाना। नहीं नहीं मैं उसको किताबें दे दूंगा। थैंक यू बाय। धनुष ने क्या मस्त लड़की पटाई है। ऐसा क्या? ऐसी कौन सी किताब दी होगी? अरे इतनी सारी किताबें दे दी हैं। अरे बिना बताए इतनी सारी किताबें देकर गई है, इसके लिए इसको थैंक्स बोलना तो बनता है। थैंक्स बोलने के लिए वो नहीं मिलेगी, वो बोल रही थी कि वो किसी इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ 3 दिनों के लिए बाहर जा रही है। वैसे वो है कौन? हेलो, हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अगर सिर्फ फ्रेंड ही है तो उसकी कोई सिस्टर भी होगी, और सिस्टर की भी कोई सिस्टर होगी, और कोई कजिन सिस्टर की सिस्टर होगी, तो जरा मेरा रेफरेंस दे देना। ओ, आज तो आपका टोन ही चेंज हो गया है, ऐसा क्या हो गया? वो क्या है ना, लाइसेंस तो मुझे मिल गया है लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है। मैं कभी गाड़ी चला भी पाऊंगा या नहीं इसका मुझे डाउट है। बस इसी रेफरेंस को क्लियर करना चाह रहा था मैं। फर्स्ट कॉलम में टिक किया, फिर सेकंड कॉलम में टिक किया, फिर थर्ड कॉलम में। ये कौन से कॉलम में टिक किया था? उस कंबक डॉक्टर ने फर्स्ट कॉलम में भी टिक नहीं किया और सेकंड कॉलम में भी टिक नहीं किया, और बीच में तो कोई कॉलम, मेरा मतलब है कि कॉलम में कुछ लिखा नहीं था। हो सकता है उसने भी डाउट में छोड़ दिया होगा, कौन से कॉलम में टिक करे सोच रहा होगा। ठीक है। ಸೋಮಾತು ನೀನೀಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾ ಎಂದಿತ್ತು
ನಾಯಿರಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ನೀನಿರು ನೀವಾರದೆ ನ ಬರಿದಾದನು ಎಂದು ಸವಿಯ ನೆನಪೆ पिताजी क्या करते हो बेटे? थिएटर में टिकट काटने का काम करते हो ना? जो लोग फिल्म देखने आते हैं धूप में खड़े होकर उनके लिए टिकट फाड़ने का काम करते हो ना? बहुत अच्छा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम मेरे बेटे हो इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। पिताजी खुश मत बोलो, यही काम कराने के लिए तुम्हारी माँ ने दिन रात मेहनत की थी, पेट काट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम बड़े अधिकारी बनोगे ऐसा सपना देखा था, तुमसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ होगी ऐसी ख्वाहिश थी तुम्हारी माँ की, लेकिन तुम कभी उसके बारे में नहीं सोचा, उसकी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है। सच बताओ ये करने के लिए तुम्हारा दिल गवाही देता है? पिताजी मैं आपको कैसे समझा? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने के लिए? ए धनुष, तुम्हारी जिंदगी अभी भी शुरू हुई है, अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करो, कोशिश करो। पिताजी क्या है, कौन से ख्यालों में डूबी है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सो रही थी। तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। अरे अपने प्यार को महसूस करने में कुछ अलग ही खुशी मिलती है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ जैसा तुम्हें लग रहा है। तो क्या सोच रही हो तुम? बताओ। देखो चुप हो जाओ वरना मारूंगी। अरे कितने पैसे इकट्ठा हुए, मॉर्निंग शो के कितने कलेक्शन हुए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो टॉयलेट साफ करने वाली लड़की भी नहीं पटेगी, मैं इस थिएटर को कैसे चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा भगवान, हे भगवान, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे कुछ काम था, मैं जा रहा हूँ जरा। हाँ ठीक है जाओ तू। ए एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? सर मैं आपको बताना भूल गया, मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम था, मुझे वहीं जाना है, आज यहाँ पे नहीं आ सकता। यार मुझे एक डाउट है। वो क्या? मुझे लग रहा है कि काम करने के बाद फ्री टाइम में तुम काम ढूंढते हो, या फिर अपना इम्पोर्टेंट काम करने के बाद फ्री टाइम में तुम यहाँ आते हो। आप अपने मन से कुछ भी मत बोलिए, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अरे इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं इस थिएटर का मालिक हूँ, मेरी इज्जत करो। मेरे भाई, आप मेरे बड़े भाई, मेरा इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा के आता हूँ। ठीक है भाई ठीक है, जाओ जाओ, लड़की से मिलने जा रहे हो, हाँ अच्छे से मिलना तुम, अच्छे से। थैंक यू सर। ऑर्डर लीजिए, आप इसको पैक कर दीजिए। हेलो। अरे कितना टाइम लगेगा? सर 5 मिनट्स में आ रहा हूँ बस। अरे क्या बात है, सुपर सुपर, हाँ। बहुत खूब बहुत खूब। हाँ सर। हाँ हाँ सर, अर्जुन के नाम से फूड ऑर्डर है सर, बिल सी के अंदर है। सिर्फ यही काम करते हो कि कुछ और भी करते हो? नहीं सर, ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। भाई भाई ये वही लड़का है भाई। कौन है? जिसने उस दिन थिएटर में मारपीट किया था। अच्छा अब याद आया मुझे। Thank you.
याद आया तुम्हें? उस दिन थिएटर में तुम्हारा टाइम अच्छा था, लेकिन अब देखता हूँ कि यहाँ तुम में कितना दम है। यहाँ तुम सभी की बॉडी देख रहे हो, यहाँ हर एक की सिक्स पैक और स्टील की बॉडी है। इस बार तुम बचोगे नहीं, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। हमारी बॉडी भी कोई ऐरी गहरी नहीं है, भद्रवती की स्टील बॉडी है। तुम किस हिसाब से अपनी बॉडी को सिक्स पैक बोल रहे हो? मेरे पैसे निकाल। देता हूँ, छोड़ो मुझे। ले, ए, चाहे कितनी बार भी फाइट कर ले पर मार तू ही खाएगा। मार मार के जमीन में काट दूंगा, दोबारा भिड़ना नहीं, समझा ना? इस बार छोड़ दिया, भाग। आज कितनी गर्मी हो रही है। ये सब क्या है? रैपर को आधा आधा फाड़ कर रखा है। हाँ? अच्छा, रात भर जाकर ऐसे बुक्स पढ़ी है, और बुक्स की हालत कितनी गंदी कर रखी है। और देखो, जो बुक्स मैंने दी थी वो ऐसे ही पड़ी है। कोई बात नहीं, आज तो तुम गए। सॉरी श्री, लेट हो गया, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम आराम से रेडी हो जाओ। फैन तो तुमने ऑन कर लिया ना? मैं धूप में ड्राइव करके आई थी ना, बहुत गर्मी लग रही थी। ठीक किया तुमने। ये शांति भाई को क्या किधर रखना है पता ही नहीं है क्या, जो सारा सामान इधर रख कर चली गई। तुम यही बैठो, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। बहाने बनाने लगे, जैसे कि मैं कुछ जानती नहीं ऐसा सोच रहे हो। आ जाओ, तुम्हें तो आज बताती हूँ। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, ऐसे साइलेंट क्यों बैठी हो तुम? मैं श्री, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो मुझे एक बार। बोलने के लिए भी टोल लोगी क्या श्री अभी? अरे क्या बात करूँ मैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? फिर से शुरू हो गई तुम्हारी संस्कृत में। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कौन हमारे लिए टाइम निकाल कर अपनी बातें करेगा? वैसे तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो यार? मैं ही तुमको मिलता हूँ क्या जान लेने के लिए? तुमने जो काम किया है उसके लिए बोल रही हूँ मैं। अरे मैंने ऐसा क्या काम कर लिया यार? अब उसे भी बोलकर बताऊँ क्या? तुम हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहते हो, तुम कभी भी घर पर नहीं रहते, और तुम ढंग से सोते भी नहीं हो। मेरे हिसाब से कल भी नहीं सोए। मुझे लगा था सारी रात जागकर तुम किताबें पढ़ोगे, पर जहाँ बुक थी वही है, तुमने एक भी बुक को हाथ नहीं लगाया। छी, अरे और कौन सी बुक है अभी? अरे वो भी मुझे बोलना पड़ेगा क्या? कैसे पूछ रहे हो? छे, मुझे शर्म आ रही है बोलने में। मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें? मैनर्स आने चाहिए। अरे यार वो श्री, वो नंबर 56 की किताब है श्री, वो किताब को पढ़कर कवर को इधर ही छोड़कर चला गया। तुम क्या मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं ऐसी किताब पढ़ूंगा क्या?
ठीक है, ये लड़कों की ना पुरानी आदत होती है, गलती करने के बाद पकड़े जाने पर इस तरह के बहाने बनाते रहते हैं कि बाल श्री राम जी के जैसे सत्यवादी बन जाते हैं। हेलो हेलो, शांत हो जाओ। मैं श्री राम नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रेम चोपड़ा हूँ। अरे तुम अच्छे हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अक्ल सिखाने का हक है, मुझे इसलिए बोला। ठीक है।
हाय। बताओ इतना अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया? क्यों, मैं बुला नहीं सकता क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, क्यों मैं पूछ नहीं सकती? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन तुमसे बात करने को कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। अच्छा ये बात है, दिल में मेरे लिए प्यार है लेकिन सामने छुपा कर ड्रामा करते हो। प्रपोज करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? हे, बहुत बुरे हो तुम, सरप्राइज नहीं बताओगे क्या तुम? अरे मैं इसको कैसे बताऊं? तुम भी तो कोई सरप्राइज देने वाली थी ना, वो क्या बात थी बताओ? फर्स्ट तुम बताओ, तुमने कहा था ना तुम बताओगे। फर्स्ट तुम्हें बताना होगा श्री। अरे तुम बताओ प्लीज। अरे कैसे शुरुआत करूं? दिल में प्यार रखकर मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो, एक बार बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद हूं, बस एक बार बोल दो। हां श्री, बोलना तो बहुत कुछ है, फिर भी बताता हूं तुम्हें। बहुत सारी बातों को अपने दिल में दबाकर मैं जिंदगी जी रहा था, लाइफ ऐसे ही निकल गई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल कर समझाऊं, मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं। मैं अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, खुशी से तुम्हारे साथ रह लूंगा श्री। फिलहाल मैं गांव जा रहा हूं। तुम गांव जा रहे हो, पर क्यों? मेरी जिंदगी का उद्देश्य अपनी माँ का दिल जीतना। और सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास श्री। बताओ ना। लव। लव? यस, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। वो लड़की मैं हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन जब मुझे प्यार हुआ मेरा नसीब अच्छा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ आ गया, दिल से कह रहा हूँ। श्री, मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल को कभी भूल नहीं सकता, स्पेशली तुम मुझे याद बहुत आओगी हमेशा। हाँ धनुष, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, फिर वो जो तुम सरप्राइज देने वाली थी वो क्या था? सरप्राइज तो देने आई थी लेकिन बिना दिए जा रही हूँ। ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? वॉच, ये क्या है? ये लो धनुष, इसे याद के लिए रख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वक्त के बारे में बात करने वाले हमारा ही वक्त ठीक नहीं है। तुम गांव जाकर अपना ख्याल रखना, मुझे भूलना मत। बाय बाय। अरे इतनी देर हो गई, कहां से आ रहे हो? अरे श्री से मिलकर आया हूँ, मैं उससे बात कर रहा था। श्री ने क्या बोला? कुछ नहीं भाई, उसने मुझे वॉच गिफ्ट दिया, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कह के चले गई। इसे बोलते हैं लाइफ में कुछ लोगों के हाथ में वॉच होती है और कुछ लोगों के पास लक, लेकिन कुछ लोगों के पास वॉच होने के बाद भी वक्त उनका अच्छा नहीं होता। और जिस तरह बंद थिएटर में टॉर्च काम करता है श्री, वैसे ही तेरे अंधेरे जीवन में दिया का काम कर रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाई। सब अच्छा होगा। जल्दी आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। बाय भाई, होशियारी से जाना और गांव पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है भाई। बाय 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 बाय। अरे साहब आ गए। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। आप लोग बैठ जाइए। क्या बात है मिश्रा जी, सुबह सुबह फोन करके अर्जेंट में बुला लिया, कोई गुड न्यूज? और उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बहुत सारा वक्त उस प्रोजेक्ट में खराब हो गया है, जल्दी काम करके खत्म करवाइए। प्रॉब्लम जल्दी खत्म होने वाला नहीं लग रहा है सर, वहाँ के पब्लिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। फाइल तो रेडी है सर, बस उस पर साइन करना बाकी है सर। देखो, फाइल पर कमिश्नर का साइन करवाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हारी फाइल अगर सही होगी तो वो क्यों साइन नहीं करेगा? पहले वाले ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया सर, उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसे कहीं और मूव कर दिया है। सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं सर, कहीं भी फाइल कहीं मूव नहीं हो पा रहा है। देखो, अगर ये लोग अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेकर चले गए तो यहाँ काम कौन करेगा? पब्लिक को खड़ा करके प्रदर्शन करना चाहिए था ना। ऐसा करने की हम सोच रहे हैं सर, लेकिन ट्रांसफर होने के 24 घंटे के अंदर ही एक नया ऑफिसर ने ज्वाइन कर लिया है, इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये नया ऑफिसर कौन है, कहाँ है? सर वही तो बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। अरे सर, सर यही है क्या वो नया ऑफिसर? यस, मैं ही हूँ। यही सोच रहा है ना तू
कि ये कैसे बन गया। रिजल्ट भी देख सकते हो क्या? मैं तो सिर्फ पिक्चर ही देखता हूँ। हमेशा ऐसे ही मूड में रहते हो ना सर। यूपीएससी का रिजल्ट है, मेरी जिंदगी का सवाल है, चेक करना है कि हुआ क्या। हाँ। यस यस अरे तुमने आईएएस क्लियर कर लिया, तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया। कांग्रेचुलेशंस। आप नहीं होते तो ये सब कैसे हुआ होता। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अभी आगे और मेहनत करो। हाँ, खूब मेहनत करो तुम। तब तक मैं पिक्चर देख लेता हूँ। तकलीफ में बचाकर, भूख लगने पे खाना खिलाकर, रहने के लिए जगह देकर 30 साल तक परवरिश की थी आपने। लेकिन आखिर में आप ही ने पीठ पे छुरा भोंक दिया। ऑफिसर बन गया हूं इसलिए आपको दिखाने के लिए नहीं आया हूं। आपके एहसानों को कभी भूलूंगा नहीं। मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर के जा रहा हूं, यही बोलने के लिए आया हूं। गुड बाय। अरे ये लोग तो पहले से जानते हैं एक दूसरे को। अरे अच्छा, ये लोग जानते हैं क्या? लगता है कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों की बातों में आकर मैंने धनुष जैसा ही हीरा खो दिया। जी, अब इसका मैं सामना कैसे करूंगा? बहुत दिनों के बाद अपने घर जा रहा हूं। कितनी भी तकलीफ की नहीं हो, लेकिन आज कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आज मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई है। और जब इस तरह की जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी में गुजरे हुए पल को कभी ना कभी पलट कर देखना ही पड़ता है। आखिरकार मैं अपनी जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंच ही गया। उस घर ने मुझे सहारा दिया, उस घर ने ही मुझे जिंदगी जीने के पाठ सिखाया। लेकिन गुस्सा करके बदला लेना मेरा लक्ष्य नहीं। मुझे सहारा देने वाले एमएलए साहब
उससे बढ़कर जिन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी माँ और मुझे प्यार करने वाले लोगों के पास मैं लौट कर जा रहा हूँ। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त हमेशा याद आता है। सबको जवाब वक्त दे ही देता है। हाँ माँ। हाँ। एक कप चाय। पूजा कर लूँ फिर देती हूँ। तू कैसा बेटा? तुम ही हो क्या? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए? तुम कैसी हो माँ? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? तुम कैसे हो बेटा? माँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ माँ, तुम तो ठीक हो ना माँ? एक दिन भी मुझसे मिलने का मन नहीं किया क्या तेरा? माँ मैं तुम्हें छोड़ के जाने के लिए मजबूर था माँ। हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था माँ। आई एम रियली सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो माँ। आई एम रियली सॉरी। एक बेटे होने के नाते तुम्हें जो फर्ज निभाना था तुमने उसे करके दिखाया। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मुझे बहुत फक्र हो रहा है बेटा। धनुष हाय। श्री तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे मैं अपने घर में आई हूँ, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। What do you mean? तुम कैसे आ गई यहाँ? मतलब ये मेरा अपना घर है, इसलिए मैं यहाँ आई। अपना घर? जो बोलना है वही बोल रही हूँ। मतलब मैं इस घर की बेटी हूँ। जब मैं छोटी थी तब पिताजी ने छोटे पापा के पास यूएसए पढ़ाई के लिए भेजा था। मैं इंडिया से दूर हो गई हूँ ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन तुम्हारी यादों से भी दूर हो गई हूँ ये बात मुझे नहीं पता थी। मतलब तुम हमारी वो वाली श्री हो? हाँ। तो फिर इतने दिन साथ रहने के बाद भी तुमने मुझे बताया नहीं श्रीया? मेरा झूठ पकड़ा जाएगा इसलिए इसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन भाई क्या हुआ, धनुष किस लिए यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है घर में? कुछ नहीं श्री, कितने लोग अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद यही सोचते हैं कि कंपनी में जॉब मिलती है, लेकिन इसने आईएएस बनने की सोची। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं की बातों में आकर पिताजी ने ये सब कर दिया। यहाँ रहकर अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है, इसलिए घर छोड़कर चला गया। ऐसा है तो चलो अभी जाकर बात करेंगे। नहीं श्री, अभी डैडी के काम की वजह से हम सब बुरे बन गए हैं, अभी उससे बात करना ठीक नहीं है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, तुम अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए अपने फ्रेंड के घर में रहोगी, कितनी भी तकलीफ हो होने दो, मैं डैडी को मैनेज करता हूँ और तुम उसको आईएएस बनने में सपोर्ट करो। वैसे भी इतना कुछ हो गया है, आईएएस बनने के लिए तुम दिल्ली गए हो ऐसा मैंने माँ से झूठ बोला था। इतने साल साथ रहकर भी मैंने ऐसा कभी नहीं किया। उस दिन तुम इतनी दूर से आकर भी अंदर आए बिना चले गए। अगर मैं वापस नहीं जाता तो मैं तुम्हारी नजरों में कभी भी बुरा नहीं बन पाता। मतलब तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? खुशी का एक लव लेटर आया था, उसे पाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन पिताजी ने जिस लेटर को पढ़ा वो आईएएस का कॉल लेटर था। मैंने लव लेटर को फाड़ने के लिए बोला था, लेकिन दोनों बातों के कंफ्यूजन में आकर तुमने मुझे गलत समझा और तुम घर छोड़कर चले गए। शे, मुझे गलतफहमी हो गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी पिताजी ने हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहे वो, और उनका डिसीजन सही था। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, थैंक्स अ लॉट। हरीश, बहुत सालों से मैंने तुझसे एक बात छुपा के रखी हुई है, अब वो बात बताने का सही समय आ गया है। ए धनुष। हाय। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ मैं। कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, हम सब तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आ रहे थे।
तुम्हारे उस परिस्थिति को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसने तुम पर ही नहीं किसी पर भी भरोसा नहीं किया। और कितनी बार देखने के लिए तुम्हें थिएटर के पास भी आई थी। तुम कितने क्लोज मेरे साथ थे, फिर भी तुमने अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं की। इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने से पहले तुम्हें समझना शुरू किया। और तुम्हें आईएएस बनने के लिए भाई के साथ मिलकर मैंने तुम्हारी हेल्प की। हरीश ने तुम्हारी कितनी हेल्प की है इस बात का तुम्हें पता ना चले हमें मना किया था, इसलिए मैंने हरीश से शादी कर ली। तब से हरीश का बेस्ट बडी से बेस्ट हबी का प्रमोशन हो गया है। मुझे कितनी खुशी है तुम्हें पता है धनुष? एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ प्यार, और दोस्ती हमेशा प्यार के ऊपर भारी पड़ जाती है। दोस्त तो खुश रहे, प्यार चला भी गया तो कोई बात नहीं, दोस्ती तो रहेगी। तुम दोनों खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। बस एक ही दुआ निकलेगी हमेशा, बी हैप्पी फॉरएवर। चलो माँ हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो, यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? इतने दिनों से खाना खिलाने वाले और छत देने वाले इस घर को मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक्स हरीश, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया। माँ को तुम लोगों ने इस घर में सहारा दिया, इस वजह से आज मैं आईएएस बन सका। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन हमेशा इस घर पे हम बोझ तो बन के नहीं रह सकते हैं ना, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं इस घर से दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के दिल से कभी दूर नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी हरीश, हमें चलना होगा माँ। इस घर से जाने से पहले घर के एहसानों को चुका कर जाना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। उस दिन पिताजी के अपमान करने के बाद तुम ये घर छोड़ के चले गए और अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तुम आईएएस बनना चाहते थे और बन भी गए। उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी है, ऐसे सोचने वाले बाप को अगर तुमने एक बार भी फोन नहीं किया तो इस तरह तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाएंगे। मेरी राय है कि उनको फोन कर लो, ताकि उनको थोड़ी शांति मिल जाए। वैसे श्री के दिल में क्या है तुमने इसके बारे में एक बार भी पूछा ही नहीं। तुम्हें जाना ही है तो जो काम तुमने अधूरे छोड़े हैं पहले उन्हें पूरा करो ना, फिर उसके बाद जाने की सोचना। हाँ अगर तुमने जाने का मन बना ही लिया है तो मैं बस इतना बोलूंगा कि श्री को अपने साथ लेकर जाओ। मतलब सही बोल रहा है? लाइफ में आगे क्या होने वाला है मैं नहीं जानता। मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया था, मेरा दिल नहीं मान रहा था। तुम लोगों की खुशी मेरे लिए अहम है, स्पेशली श्री मेरी पसंद है। चाहे हमारे साथ जो भी हुआ हो, आज मुझे इस बात का संतोष है कि श्री मेरे साथ है। श्री को मैं दिल से चाहता हूं। तुम दोनों को खुश रखे। वैसे तुम उस दिन बोल रहे थे तुम किसी को प्यार करते हो। ऐसी कोई लड़की नहीं है श्री, वो सही वक्त नहीं था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। अभी सही वक्त है तो मैं बोल रहा हूँ, समझी ना? बेटा यहाँ आओ। हाँ सर बोलिए। ये देखो, इसको देखकर कुछ याद आया क्या? हमारी साइट पर डिलीवरी करने आया था और अपनी स्टोरी बताई थी। हाँ हाँ। अरे हाँ सर, लड़के ने आईएएस क्लियर किया है, पेपर में छपा है। क्या बात है सर,
इसीलिए कहते हैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सही बोल रहे हो। एक काम करो सर, कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, हमारे घर आने के लिए बोलो। मैं निकालता हूँ सर, मैं निकालता हूँ। हाँ। आप ठीक तो है ना सर जी? सब ठीक है बेटा। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ सर। आशीर्वाद दीजिए सर। अरे बेटा, पहले तुम अपनी माँ से आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद के सामने किसी का आशीर्वाद नहीं टिक पाएगा। पहले उनका आशीर्वाद ले लो। ठीक है सर जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, प्रणाम सर। जाओ, खुश रहो। उस दिन मैं एक डिलीवरी बॉय की तरह आया था, उसके बावजूद आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरी कहानी सुनी। आज आप ही की वजह से मैं इस पोस्ट पे पहुंच पाया हूँ। आपने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए रखा। अच्छा सब लोग सुनो, एक आइडिया आया है। हाँ सर। उस दिन एक लड़का हमारे साइट पर आया था ना डिलीवरी करने के लिए। हाँ। उस लड़के ने अपना IAS क्लियर किया है, उसके ऊपर एक कहानी